अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियर नंबर। तो हमारे पास सबसे समझने की बात यह है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो एटम्स में वो क्या होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कलेक्टिवली उनको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर या कहते हैं एटॉमिक नंबर। जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। और क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं कभी कभार, क्योंकि उन पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, तो प्रोटॉन नंबर जो है वो इक्वल करता है इलेक्ट्रॉन नंबर्स के। और थर्ड बात यह है कि ईच एलिमेंट जो होता है हमारे पास, उसके पास यूनिक प्रोटॉन नंबर होता है, यानी कि कोई और एलिमेंट जो होगा उसके पास वो प्रोटॉन नंबर नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और चौथी बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। नीचे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई हुई है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यानी कि जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो हम उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिथियम को लिया हुआ है, तो लिथियम में हमारे पास जो ऊपर ये दिया हुआ है 7, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कम्बाइंड, और नीचे जो 3 है वो है हमारे पास प्रोटॉन नंबर, यानी कि इसमें सिर्फ 3 प्रोटॉन है। और इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हमें अगर जब न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं तो हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। जैसे 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, वो कितने होंगे, वो हमारे पास 4 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन्स पता लगा सकते हैं कि एक एलिमेंट में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स तो हमारे पास पहले से ही दिए हुए होते हैं, जो कि हमारा चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। बाकी नीचे मैं डिस्कस करूँगा आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स, लेकिन उनमें प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स सेम होते हैं सॉरी, और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। और इनमें यह है कि इनके पास सेम प्रोटॉन नंबर होता है, लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर इनका डिफरेंट होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। मैंने गलती से केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन किया हुआ है, यह है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसकी वजह यह है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फिजिकल जो है वो न्यूक्लियर नंबर पर डिपेंड करता है। और मोस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास दो या ज़्यादा से आइसोटोप्स होते हैं। जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि प्रोटियम दिया हुआ है, और एक ड्यूट्रियम दिया हुआ है, और एक ट्राइट्रियम दिया हुआ है। तो इसके 3 ये आइसोटोप्स होते हैं। बाकी ऊपर मैंने एक और चीज़ मेंशन करी थी, वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें के आइसोटोप्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, उनको कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स।